गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 6। टुडे वी स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट यूनिट 3 वाटर वाटर एवरीवेयर। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सम ऑफ द पोर्शंस ऑफ दिस चैप्टर एंड ड्यू टू कोविड-19 वी हैव टू स्टार्टेड ऑनलाइन स्टडीज ऑन यूट्यूब। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने वाटर वाटर एवरीवेयर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से पानी जो है वो पहले वेपर फॉर्म में बदलता है, किसकी मदद से, सन की मदद से, और फिर वो वेपर बनने के बाद क्लाउड बनता है। फिर क्लाउड से जब एक्सेस हीट होती है, यानी सन की जब एक्सेस हीट रे जो है क्लाउड पर पड़ती है, तो वही पानी जो है वापस रेन के रूप में वापस धरती पर गिरती है, यानी किस तरह से पानी जो है फिर से घूम के वापस धरती पर आती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसके बाद हमने वाटर बॉय के बारे में पढ़ा था, जिसमें विजय नाम का एक कैरेक्टर था जो हमेशा पानी के साथ खेलता था और पानी को वेस्ट करता था। तो एक दिन उसकी मॉम जो है उसे अपने अंकल के घर ले जाती है, जहाँ पर एक दिन वो सो रहा होता है, तो अचानक से जो है रात को अचानक से उठ जाता है और वो देखता है कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी है और उस जगह पे लोग जो है इकट्ठा हुए हैं रात को। और विजय जो है एकदम थक गया होता है, इसलिए वो थोड़ी देर देखने के बाद वो सो जाता है और सुबह उठते ही जो है सबसे पहले वो बाथरूम में जाता है, जहाँ पर उसको पानी नहीं मिलता है, ठीक है। और कहीं पे भी उसके पास पानी नहीं होता, तो फिर वो अपने कज़िन्स को बुलाता है, फिर कज़िन उसको बोलता है कि तुमको कहीं पे भी पानी नहीं मिलेगा, यहाँ पे सब जगह पे बहुत सालों से पानी नहीं हुआ, यानी ये इस जगह पे जो है बहुत सालों से पानी नहीं हो रहा है, इसलिए सब लेक्स और रिवर्स जो है वो धीरे धीरे सूख रही है, इसके वजह से हमको थोड़े पानी के लिए पानी का इस्तेमाल करने के लिए हमको इंतज़ार करना पड़ता है, जब ये नल में पानी आता तभी हम ये पानी भरते हैं, ठीक है। और ये पानी का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, ये कभी भी आ जाता है, इसके वजह से हमें जगना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद विजय को वो बताता है कि किस तरह से, यानी विजय को कुछ पानी देता है और बोलता है कि इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है जिससे तुम्हारा पानी वेस्ट ना हो। मुझे पता है कि विजय तुम्हें पानी वेस्ट करने का बहुत ही ज़्यादा आदत है, तो उसे किस तरह से सुधारना है उसके बारे में राजेश जो है वो विजय को समझाता है। अब राजेश कौन है, तो राजेश जो है वो उसका कज़िन होता है और वो विजय को समझाता है, ठीक है। फिर राजेश जो है विजय को कुछ एग्जांपल देता है कि जैसे कि एक गिलास पानी में जो है तुम्हें ब्रश करना है, ठीक है, यानी एक गिलास जो मैं पानी दूँ उसी पानी से तुम्हें ब्रश कर लेना है, और उसके बाद एक ही बकेट में यानी पानी कुछ पानी भर के जो है नहा लेना है। और उसके बाद ही टोल्ड विजय टू सेव द वाटर यूज फॉर वॉशिंग हिज क्लोथ, ठीक है। और जो पानी बच जाए वो पानी का इस्तेमाल तुम्हें किस में करना है, तो अपने कपड़े धोने में वो चीज़ का इस्तेमाल कर दो, जिससे पानी भी बच जाएगा और पानी वेस्ट भी नहीं होगा। और विजय जो है पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि विजय कभी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं पड़ा था, ठीक है। और उसके बाद उसका कज़िन जो है विजय पे हंसता है और फिर कहता है कि विजय यू यूज़ टू मच वाटर एवरी डे, सून देयर विल बी लेस रेन एंड यू मे हैव द सेम प्रॉब्लम दैट आर फेसिंग नाउ, यू शुड लर्न टू सेव वाटर। तो यहाँ पे विजय पे हंसते हुए राजेश ऐसा बोलता है कि मुझे मालूम है विजय तुम्हें पानी बिगाड़ने का बहुत ही आदत है और तुम हर रोज़ बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हो, तो तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ पे भी बारिश बहुत दिन से ना हो और तुम्हें भी यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, पानी को किस तरह से बचाना है उसके बारे में सीखना चाहिए। तो देखो उसके बाद वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू पीपल, तो इसके बाद राजेश बोलता है कि पानी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे ऐसे आर्ट सॉन्ग और पोएम भी बने, यानी पानी के ऊपर बहुत सारे आर्ट सॉन्ग और पोएम बने हुए हैं, जिसमें हमको अच्छी तरह से पानी के महत्व के बारे में समझाया गया है। जैसे एक पोएट्री है जो मैरी ओलिवर ने लिखा था, और मैरी ओलिवर जो है वो अमेरिकन पोएट है जो पानी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो समुद्र के पास ही रहा करती है और वहाँ पर ही वो अच्छे अच्छे पोएम लिखती है, यानी वो नेचर के करीब रह के जो है उसे उसके बारे में अलग अलग पोइट्री वो लिखती है, ठीक है। तो कभी कभी जो है वो बर्ड्स के बारे में लिखती है, कभी वाटर स्नेक्स के बारे में, कभी व्हेल्स के बारे में, पॉन्ड्स के बारे में, हार्बर के बारे में, और ये लिखने में उसको बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। Thank you.
अब देखो एक्टिविटी नाइन की बात करेंगे तो एक्टिविटी नाइन में लिखा है वाटर वाटर एवरीवेयर। तो एक्टिविटी नाइन की बात करेंगे तो वहाँ पे ऐसा बोला है कि पानी पानी जो है सब जगह पे है। हाउ मच वाटर इज़ देयर ऑन अर्थ, तो सबसे पहला बड़ा सवाल कि अर्थ में कितना पानी है। तो सबसे पहले हमको पता है कि पानी जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो समथिंग लाइक, तो यहाँ पे जवाब दिया है कि समथिंग लाइक 126 ट्रिलियन लीटर कैन बी फाउंड ऑन अवर प्लैनेट। तो ऐसे लगभग माना जाता है कि हमारे प्लैनेट में जो है लगभग 126 ट्रिलियन जो है लीटर पानी है, और हमारे अर्थ में जो है वाटर का कांस्टेंट साइकिल चलता रहता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ओशन का पानी जो है पहला एवोपोरेट रहता है यानी वेपर फॉर्म में बदलता है, और उसके बाद वो हवा में ट्रेवल करता है, और उसके बाद क्लाउड बनता है, और उसके बाद बारिश के ही रूप में वापस वो नीचे आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद वापस वो पानी जो है ओशन में चला जाता है। और हमारा ओशन जो है वो बहुत ही बड़ा है, और ज़्यादातर हमारा अर्थ जो है वो पूरी तरह से ओशन से घिरा हुआ है। तो 98% जो है प्लैनेट में जो है ओशंस है, ठीक है, और बाकी का जो पानी है और वो 2% वो पीने लायक पानी है, ठीक है। और 98% की बात करें जो ओशन में पानी है वो पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से नमकीन पानी है, और नमकीन पानी ह्यूमन बींग्स नहीं पी सकते, ठीक है। और खाली 2% ऑफ प्लैनेट का पानी जो है वो फ्रेश वाटर है, जिसमें से 1.6% ऑफ द प्लैनेट फ्रेश वाटर इस लुक अप इन ए पोलर आइस। उसमें से भी देखो यानी 2% में से भी 1.6% जो पानी है फ्रेश वाटर वो भी आइस के रूप में है, जिसे हम पी नहीं सकते। उसके बाद 0.36% जो बचता है वो अंडरग्राउंड वाटर है, यानी ज़मीन के अंदर है, या तो कुएं के अंदर से मिलता है, वो सब जो है अंडरग्राउंड वाटर वो फ्रेश वाटर है 0.36। और ओनली अबाउट यानी उसके बाद हम देखें तो 0.036% का जो पानी बचता है प्लेनेट का वो पानी लेक्स और रिवर्स में है, ठीक है, यानी इतना छोटा पानी का पार्ट जो है हम इस्तेमाल करते हैं। और रिवर इज स्टिल मैनी ट्रिलियंस ऑफ लीटर बट इट्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू ऑल द वाटर इन द होल वर्ल्ड। तो हम ऐसे देखने जाए तो रिवर्स और लेक्स में देखें तो बहुत ट्रिलियंस लीटर्स ऑफ पानी है, मगर वो भी इसके सामने कम ही, यानी पूरे वर्ल्ड का जो पानी है उससे कंपैरिजन करने जाए तो ये बहुत छोटा कम अमाउंट का पानी है। द रेस्ट ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट 0.04% इज आइदर फ्लोटिंग इन द एयर इज क्लाउड एंड वाटर वेपर। इसके अलावा देखे जाए तो 0.004% जो है वो क्लाउड के रूप में और वाटर वेपर के रूप में जो है प्लांट्स और एनिमल्स में यानी क्लाउड के रूप में और उसको वाटर वेपर के रूप में हम देख सकते हैं, और कुछ जो है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी है। तो ये मालूम है कि हमारा जो बॉडी है यानी ह्यूमन बॉडी जो है वो भी 65% वाटर से बना हुआ है। और दैट्स मीन्स इफ़ यू वेट 30 kg 119.5 kg ऑफ योर हिज वाटर, यानी उसके बाद राजेश ऐसे समझाता है कि अगर तुम्हारा वजन 30 kg है तो उसमें से 19.5 kg जो है वो पानी ही है। तो हमने कुछ जानकारी के बारे में देखा, जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ पे कितना पानी है, तो 126 ट्रिलियंस लीटर जो है यहाँ पे प्लेनेट में पानी है। उसके बाद हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा कि किस तरह से ओशंस के पानी जो है एवापोरेट होता है, और उसके बाद एयर में ट्रैवल करता है, और उसके बाद रेन के रूप में लैंड पे आता है, और वहाँ से बह के वापस ओशन में चला जाता है। और फिर हमने पढ़ा कि प्लेनेट में 98% पानी जो है वो ओशंस में ही है, और वो पानी जो है पीने लायक नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह से नमकीन है। और उसके बाद 2% के बारे में हमने पढ़ा कि 2% जो पानी है वही खाली फ्रेश वाटर है, वो पीने लायक पानी है। उसमें से भी 1.6% यानी 1.6% जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर है जो बर्फ़ के रूप में हमारे अर्थ में है। और उसके बाद 0.36% जो है वो अंडरग्राउंड वाटर है जो कुएं में हमको मिलता है। और उसके बाद 0.036% जो है वो फ्रेश लेक्स यानी लेक्स और रिवर्स में पाया जाता है, जिस जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट है हमारे अर्थ के पानी के हिसाब से, यानी अर्थ में टोटल जो वाटर है उसका छोटा सा हिस्सा जो है लेक्स और रिवर्स में है, और बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। और 0.004% की बात करें तो इतना पानी जो है क्लाउड या वाटर वेपर के रूप में आसमान में हमको देखने को मिलता है, और बाकी का जो पानी है वो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होता है। और हमारी ह्यूमन बॉडी भी जो 65% वाटर से बनी हुई है। अगर एक इंसान का वज़न अगर 30 kg होगा
तो उसका 60% यानी 90.5 kg जो होगा वो पानी का ही होगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमने पानी के बारे में जाना, थैंक यू। ठीक है, और तुम्हें क्या करना, ये एक्टिविटी 9 जो है वो अपनी नोट में एक बार लिख लेना है।